नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सह आचार्य प्राणीशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम गैमेटोजेनेसिस विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मेरे प्रीवियस लेक्चर फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंटिन्यूशन में है। भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन गोनड्स अर्थात जनद में द्विगुणित प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्राथमिक जनन कोशिका के द्वारा हैप्लोइड गैमेट्स का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह क्रिया दो प्रकार से होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन और ऊजेनेसिस अर्थात अंड जनन। टेस्टिस की प्राथमिक जर्म कोशिका द्वारा स्पर्म का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है, जबकि अंडाशय की प्राइमोर्डियल जर्म सेल द्वारा ओवम का निर्माण ऊजेनेसिस कहलाता है। हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स अर्थात उभयलिंगी जंतुओं में नर तथा मादा गैमेट्स एक ही प्राणी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में मेल द्वारा स्पर्म और फीमेल द्वारा ओवम का निर्माण प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स द्वारा संपन्न होता है। सभी वर्टिब्रेट्स में एक जोड़ी टेस्टिस मीजोरकियम नामक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक टेस्टिस हजारों सेमिनिफेरस ट्यूबल्स अर्थात शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये ट्यूबल्स चारों ओर से ट्यूनिका प्रोप्रिया नामक मेम्ब्रेन से ढकी रहती हैं। इसके भीतर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर पाया जाता है। इस लेयर की में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सोमेटिक अर्थात कायिक कोशिकाएं जो स्पर्म को सपोर्ट प्रदान करती है और न्यूट्रिशन प्रदान करती है। दूसरी जर्म सेल्स अर्थात जनन कोशिका जो कि स्पर्म का निर्माण करती है। वर्टिब्रेट्स में शुक्राणु का उत्पादन होलोकोनिक टाइप अर्थात पेरिफेरी टू सेंट्रल कैविटी की ओर होता है, जबकि इंसेक्ट और निमेटोड्स में टीलोगोनिक टाइप अर्थात प्रॉक्सिमल पार्ट से डिस्टल पार्ट की ओर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है तथा एक ही टेस्टिस में इसकी विभिन्न अवस्थाओं को देखा जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो फेजेस में विभक्त किया जा सकता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस ऑल्सो नोन एज स्पर्मियोटीलियोजेनेसिस और वी कैन से डिफ्रेंशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण संपन्न होता है। इसे तीन प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। पहली प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज अर्थात गुणन अवस्था, दूसरा ग्रोथ फेज अर्थात वृद्धि अवस्था, तीसरा मैच्योरेशन फेज अर्थात परिपक्वन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाती हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। ग्रोथ फेज स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस रुक जाता है तथा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करती हैं। आकार में वृद्धि करने वाली इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जो कि द्विगुणित कोशिकाओं की। थर्ड फेज मैच्योरेशन फेज अर्थात परिपक्वन अवस्था, प्रत्येक प्राइमरी ओसाइट्स में पहला मैच्योरेशन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है,
जिसमें गुणसूत्र समान रूप से दो संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं, जिससे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन से बनी दोनों कोशिकाएं डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका से आधी रह जाती है, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन माइटोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दो समान कोशिकाओं विभाजित हो जाती है, जिनको स्पर्मेटिड कहा जाता है। यह अगुणित कोशिका होती है। इन दो कंटिन्यूस डिविजन्स के फलस्वरूप प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से चार अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड के रूपांतरण से शुक्राणु का निर्माण होता है। सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु कायंत्रण। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के फलस्वरूप निर्मित स्पर्मेटिड राउंडेड सेल होती है। इनमें गॉली कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड राइसोसोम पाए जाते हैं। स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा मॉर्फोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली एंड फंक्शनली स्पेसिफिक स्पर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। शुक्राणु रूपांतरण के दौरान अचल गोलाब स्पर्मेटिड सक्रिय चल शुक्राणु कोशिका में रूपांतरित होता है। स्पर्मेटिड के स्पर्म में रूपांतरण के दौरान अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसमें मुख्य हैं, पहला है चेंजेस इन न्यूक्लियस। शुक्राणु जनन के समय न्यूक्लियोप्लाज्म से जल के निष्कासन द्वारा न्यूक्लियस सिकुड़ जाता है और गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं। आरएनए व अन्य संबद्ध पदार्थों का क्षय होता है, जिससे केवल न्यूक्लियो प्रोटीन्स आनुवंशिक पदार्थ के रूप में शेष रहते हैं। न्यूक्लियस अपने वृत्ताकार आकृति को छोड़कर लंबा व संकरा हो जाता है। दूसरा परिवर्तन चेंजेस इन सेंट्रियोल। स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पश्च भाग में विकसित होता है, जबकि डिस्टल सेंट्रोल प्रोक्सिमल सेंट्रोल के पीछे स्थित होता है। यह फ्लेजिला का एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है और बेसल ग्रेन्यूल की भांति कार्य करता है। थर्ड चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्मेटिड के विभिन्न भागों में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के दोनों ओर एक डेंस बॉडी का निर्माण करते हैं। अंत में ये स्पाइरल रूप से कुंडलित होकर एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर एक शीथ का निर्माण करते हैं, जिसे नीबल कर्ण कहा जाता है। ये स्पाइरल शीथ अंडाणु की ओर तैरकर गति करने वाले स्पर्म को आवश्यक ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चेंजेस इन गॉली कॉम्प्लेक्स। स्पर्मेटिड की गॉली कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम का निर्माण करती है, जो स्पर्म के केंद्रक के चारों ओर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। नेक्स्ट चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अधिकांश भाग लुप्त हो जाता है और शेष भाग शुक्राणु की परिधि के साथ साथ एक डेंस लेयर बनाता है, जिसे मैनशेट कहा जाता है। यह शुक्राणु के मध्य भाग तथा इसके शीर्ष के पश्च भाग के चारों ओर स्थित होता है। नेक्स्ट परफोरोटेरियम फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड के स्पर्म में रूपांतरण की मध्य अवस्था में एक्रोसोम के नीचे न्यूक्लियस में एक गोलाकार गड्ढा निर्मित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पदार्थ एक्टिन एंड कैल्शियम से भरा होता है। यही भाग परफोरेटोरियम कहलाता है। नेक्स्ट चेंजेस फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, जिसमें स्पर्म का साइज एंड शेप स्पीसीज के अनुसार चेंज होता रहता है, लेकिन स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती। यह क्षमता स्पर्म में फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन के पश्चात ही प्राप्त होती है। यह विभेदन स्तनधारियों में एपिडिडाइमिस में संपन्न होता है। नेक्स्ट चेंजेस कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एनिमल्स में शुक्राणु का निर्माण टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स, प्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब
एवं जीव की मानसिक अवस्था द्वारा नियंत्रित होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एक टिपिकल स्पर्म में तीन भाग होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हेड यह एक कॉनिकल फ्लास्क की समान होता है, किंतु इसकी आकृति में काफ़ी विभिन्नता देखी जाती है। इसकी आकृति प्राय केंद्र की आकृति के संगत होती है। सिर का अगला सिरा एक्रोसोम द्वारा निर्मित होते हैं, जिसकी सहायता से यह अंडे की झिल्ली को भेदता है। सिर के शेष भाग में केंद्रक स्थित होता है। सेकंड पार्ट मिडिल पीस। शुक्राणु के मिडिल पीस में डिस्टल सेंट्रल स्थित होता है। यह फ्लेजिला की बेसल ग्रेन्यूल का कार्य करता है। इसी भाग में फ्लेजिला का बेसल पार्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल शीथ स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जो शुक्राणु को आगे बढ़ने हेतु फ्लेजिला को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मध्य भाग के चारों ओर साइटोप्लाज्म का डेंस आवरण पाया जाता है, जिसे मैनशेट कहते हैं। मध्य भाग व फ्लेजिला के मिलन स्थल पर रिंग सेंट्रल उपस्थित होता है। थर्ड पार्ट टेल और फ्लेजिलम। यह शुक्राणु का सबसे लंबा व पतला भाग होता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु आगे की ओर गमन करता है। इसमें एक एक्सियल फिलामेंट, साइटोप्लाज्म का एक महीन लेयर और प्लाज्मा लीमा का एक आउटर शीथ उपस्थित होता है। एक्सियल फिलामेंट संरचना में सीलिया एंड फ्लेजिला के समान होता है। नाउ लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन के फलस्वरूप निर्मित शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल सेल से आधी रहती हैं। इन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को कम करने में सहायता मिलती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। धन्यवाद।